हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक विंडो। माय नेम इज़ रोहित। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि SEO क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी एंड इसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे कि SEO के कौन से टाइप्स होते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको किसी भी कंपनी में काम करना हो, उसी तरह से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने कंपनी में काम करना होता है, कैसे ऑफ पेज ऑन पेज की एक्टिविटीज़ आपको करनी होती है। उसी तरह से मैं आपको सारे ऑफ पेज के टास्क जो हैं वो प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको SEO की इंट्रोडक्शन दी थी एंड इसके टाइप्स बताए थे, ऑफ पेज ऑन पेज SEO। तो पहले हम ऑफ पेज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऑफ पेज ख़त्म होने के बाद हम ऑन पेज पर चलेंगे। तो ऑफ पेज के, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑफ पेज में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्लासिफाइड एड्स, माइक्रो ब्लॉगिंग, इमेज शेयरिंग, ये सारी ऑफ पेज के पार्ट हैं। ऑफ पेज में बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए यही सब टास्क आपको करने होते हैं। जैसे कि क्लासिफाइड एड्स फर्स्ट ऑप्शन पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी बताया था। इसी तरह से हम अगले सारे टास्क जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग, इमेज शेयरिंग, ये सब करके देखेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको गाइस एक बात और बता दूं कि SEO के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री ऑफ गूगल, लिस्ट ऑफ सर्च इंजन, वेब सर्वर क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, ये मैंने लिखे हुए हैं। ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। कीवर्ड्स एंड इट्स टाइप, क्रॉलिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को इंटरनेट पे देख सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और कैसे इनको किया जाता है। तो इसके बाद हम चलेंगे ऑफ पेज की एक्टिविटीज़। जैसे कि कल क्लासिफाइड एड्स को करके देखा था हमने, आज हम करके देखेंगे माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग एक ब्लॉगिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग का एक कम्बिनेशन है। ये एक शॉर्ट मैसेज या शॉर्ट पोस्ट को शेयर करने का एक तरीका है, जो अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको पोस्ट करनी होती है माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स के ऊपर। इसकी मदद से आप ऑडियंस के साथ शॉर्ट पोस्ट में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। गाइज, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप माइक्रो ब्लॉगिंग या किसी भी टास्क के लिए डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वो डिस्क्रिप्शन आप एक बार मतलब अगर आपने किसी साइट पे शेयर कर दी तो दूसरी साइट पे आप उसको शेयर नहीं करेंगे, उसका कॉपीराइट इशू हो जाता है। कंटेंट 100% ओरिजिनल होना चाहिए, आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि मतलब कहीं से भी इंटरनेट से आपने उठाया और किसी भी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको सब कुछ ओरिजिनल कंटेंट खुद लिखना होता है। जैसे कि अब मैं आपको माइक्रो ब्लॉगिंग करके बताऊंगा कि कैसे आपको पोस्ट करनी होती है। माइक्रो ब्लॉगिंग, जैसे आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग की, तो सबसे पहले आपको एक बात और मैं बता दूं कि वेबसाइट का, जिस भी वेबसाइट पे आप पोस्ट करेंगे, उसका DAPA जो होता है वो आपकी वेबसाइट से ज़्यादा होना चाहिए। और DAPA चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब आपको मैं बता दूं कि DA होता है डोमेन अथॉरिटी एंड PA होता है पेज अथॉरिटी। इसलिए गाइज मैंने आपको कहा कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इसमें आपको सारा पता लग जाएगा कि DAPA क्या होता है। जो भी मतलब ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन है, अगर ये आपको पता होंगे तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे DAPA आपको हर वेबसाइट का चेक करना है, जिस भी वेबसाइट पे आप अपना कोई भी टास्क, माइक्रो ब्लॉगिंग, क्लासिफाइड एड्स, कुछ भी पोस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको उस वेबसाइट को DAPA उसका चेक करना है। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये वेबसाइट है, वेबसाइट seochecker.com, इस पे आप किसी भी वेबसाइट का DAPA चेक करना हो तो वेबसाइट के URL को कॉपी किया एंड इस पे पेस्ट कर दिया।
ये चेक का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो है वो आपकी वेबसाइट की बता देगा। जैसे इसकी डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी है इसकी 87 एंड पेज अथॉरिटी है 100, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको क्या देखना है कि डोमेन DAPA किसी भी वेबसाइट का आपकी वेबसाइट से ज़्यादा होना चाहिए, जिस भी वेबसाइट पे आप पोस्ट कर रहे हैं उसका आपकी वेबसाइट से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि ये एक वेबसाइट है tumblr.com, ये माइक्रो ब्लॉगिंग की साइट है, इस पे इमेज भी शेयर होती है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो ब्लॉगिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको जैसे कि ये वेबसाइट है इस पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, वेबसाइट आएगी, उसकी आपको ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, या फिर अगर वेबसाइट का ओनर आपको ईमेल देता है तो उससे आपने लॉगिन करना है। आपका अकाउंट किसी भी वेबसाइट पे, शुरू में तो आपका वेबसाइट पे अकाउंट होगा नहीं, तो आपको साइन अप कर लेना है और उसके बाद लॉगिन करना है, जैसे कि मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, फोटो, लिंक्स, चैट, तो हमको डालना है माइक्रो ब्लॉगिंग, यानी कि तो हम जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे हमसे मांग रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। तो टाइटल आपको, कल मैंने आपको बताया था कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको कीवर्ड के ऊपर लिखनी होती है, जैसे कि मैंने लिखी है, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ उसको, कि मैंने डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। एंड ऊपर टाइटल में आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, कैची सा टाइटल आपको देना होता है इसमें, अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी वेबसाइट है किस जिस भी नीश की है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइटल लिखना होता है। तो अभी मैं डेमो के लिए कुछ भी लिख देता हूँ। एंड नीचे आप देख पा रहे होंगे टैग्स, टैग्स में आपको अपने कीवर्ड्स जो होते हैं आपके वो आपको इसमें रखने होते हैं, जैसे कि कीवर्ड कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। टैग्स का मतलब है जैसे आप कोई भी टैग्स डालोगे, जैसे राफ्टिंग इन ऋषिकेश, तो आपकी वेबसाइट के चांसेस हैं कि राफ्टिंग इन ऋषिकेश कोई सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग जो है माइक्रो ब्लॉगिंग वो वहाँ पे सर्च रिजल्ट पे शो होगी। बस गाइस इतना सा काम है, इसके बाद आपको पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, पोस्ट पे क्लिक करना है। एंड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ही आपका स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का टास्क जो है वो हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि इसका लिंक आपको उठाना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शेयर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया, कॉपी लिंक, ये लिंक आपका कॉपी हो गया। और कल जब मैंने आपको बताया था कि शीट में कैसे रखने हैं, तो इस तरह से आपको एक शीट बना लेनी है। इसी तरह कंपनी में शीट्स को मैनेज किया जाता है, रिपोर्ट शीट्स को, इसमें आपको रखना होता है जो लिंक मैंने अभी कॉपी किया, जैसे कि ये लिंक हमने कॉपी किया, ये बैक लिंक है, ये बैक लिंक बन गया एक। अब इस लिंक पे ये बैक लिंक क्रिएट हो गया। अब गाइज एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें एक बात रह गई, जब भी आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वहां पे अपनी वेबसाइट का URL देना ना भूलें, ताकि जब भी कोई आपकी ब्लॉग को पढ़े तो उस पर क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो सके। तो इस पे जैसे आपको लिंक लगाना है, तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक कैसे लगाऊंगा, हमको अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है एंड किसी भी कीवर्ड के ऊपर आपको लिंक लगाना है, जैसे कि मैं मुझे इसकी एक कीवर्ड के ऊपर लिंक लगाना है, तो मैंने इसको कॉपी किया, सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहे होंगे लिंक का, इस पे लिंक में हमने अपनी वेबसाइट का URL कॉपी कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये लिंक जो है हमारा इस पे लग चुका है, इसके बाद हम पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करना है आपको अपना लिंक और शीट में रख देना है, शीट में रख दिया। और होम URL पे आपको रखना है कि आपने किस साइट पे माइक्रो ब्लॉगिंग पोस्ट की,
गाइस, ये जो आपने अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग का लिंक कॉपी किया, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये किया आपने कॉपी। अब आप इसको कहीं भी शेयर करेंगे या सर्च करेंगे तो आपकी माइक्रो ब्लॉगिंग जो आपने की है वो शो होगी। जैसे ये मैंने पेस्ट किया, सर्च किया, इसके बाद ये देखिए गाइस, जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन लिखी वो ये हमें यहाँ पे शो हो गई। इस तरह से हमें इमेज शेयरिंग करनी होती है, क्लासिफाइड एड्स जो भी आपको करना होता है, इसी तरह से अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं इन सब टास्क की। अगर आपको वेबसाइट्स ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको साइट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे टास्क हैं ऑफ पेज के। कल हमने क्लासिफाइड एड्स करके देखी थी, आज हमने माइक्रो ब्लॉगिंग करके देखी। इसी तरह हम सारे टास्क धीरे धीरे करके देखेंगे। ऑफ पेज में सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएट करने का ही काम है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे सारे टास्क करके बताऊंगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आपको पोस्ट करना होता है। ये मैं यहाँ पे आपको डेमो के लिए सिर्फ एक सबमिशन करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको किसी भी साइट पे पब्लिश करना है। तो इसी तरह अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि इमेज शेयरिंग कैसे करते हैं एंड कंपिटिटर बैकलिंक्स वगैरह सारे टास्क मैं आपको करके बताऊंगा। गाइस, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। ओके, थैंक यू गाइस।